हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। जिसको अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग हम लोग कैसे यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया बताने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंट होता क्या है कि हम लोग कंप्यूटर पे जो भी हमारे पास जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनके पास जो भी आदान प्रदान जो उनके पास आता है और जो उनके पास से जाता है उस रिकॉर्ड को स्टोर करके रखने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का यूज करते हैं। अब अकाउंटिंग में एक आपका सॉफ्टवेयर यूज होता है टैली, जिसमें टैली होता है, टैली के कुछ फीचर्स होते हैं, टैली पे हम लोग कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे कंपनी बना सकते हैं, उस पर कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आपको अभी कंपनी के बेसिक फीचर्स होते हैं वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट क्लास हमारी कंप्यूटर अकाउंट्स की है, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि हम लोग कंप्यूटर में जैसे टैली नाम का सॉफ्टवेयर होता है, टैली आपका अलग अलग टैली के सॉफ्टवेयर, टैली 7, सबसे पहले आपका टैली 6.5 आया था, फिर टैली 6.3, फिर 7.2, फिर आपका 9.0, फिर टैली 9, अभी इस समय टैली प्राइम, लेटेस्ट पे जो आपका चल रहा है वो टैली प्राइम चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं और कैसे हम लोग मतलब वर्क करते हैं आपको इसमें टैली पे आपको बताते हैं। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि हम लोग टैली पहले सबसे पहले टैली ओपन करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर पे शेयर स्क्रीन करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन को हम लोग शेयर कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब आपका ये आपके डेस्कटॉप स्क्रीन आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग टैली खोलना है तो उसके लिए सबसे फर्स्टली हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे TALL1, टैली लिखेंगे जैसे, तो टैली 9.exe लिख के आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारा टैली वाला सॉफ्टवेयर होता है आपका ओपन हो करके आ जाएगा। जब ये आपका आ जाएगा तो ये आपका इस तरह का टैली का सॉफ्टवेयर होता है वो आपका ओपन हो करके आता है और हमें इसमें जो भी वर्किंग होती है वो आपको यहाँ पे करनी होती है। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे जो आपका ओपन हो करके आता है तो ये आपका इस तरीके से खुल के आता है, गेट वे ऑफ टैली लिख के आता है। यहाँ पे हमें आपको इस पे लाना है सबसे पहले, अब हमें सबसे पहले इसमें लाना है टैली का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अल्ट साथ F3 बटन, अल्ट के साथ F3, ये देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स आपके इसके दिए गए होते हैं और यहाँ पे टैली जो आपका खुल के आया टैली 9.0, यहाँ पे आपको इसके ऊपर कुछ दिया गया होता है, जैसे टैली गोल्ड मल्टी यूजर, ये है इसका सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको इसका सीरियल नंबर दिया गया, जो यदि जिसमें सीरियल नंबर दिया जाता है इसका मतलब ये कंपनी आपकी जो आपका टैली खुला हुआ है ये आपका रजिस्टर्ड है। यदि आपका टैली यहाँ पे आपका सीरियल नंबर की जगह पे एजुकेशन लिखा होता है इसका मतलब ये आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसमें हम लोग 2 अप्रैल तक की खाली एंट्री कर सकते हैं, 3 अप्रैल से एंट्री आपकी 30 तारीख को आपको ये डेट को नहीं लेता है। इसके लिए इसका मतलब इसमें हमें सिर्फ 2 तारीख तक की एंट्रियाँ खाली की जा सकती है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग आता है, अब ये इसमें कुछ फीचर्स दिए गए, ये आपका टैली नाम का सॉफ्टवेयर टैली है, तो टैली पे सबसे ऊपर बताया कि आपका सी टैली सोल्यूशन कंपनी ने बनाया, 98 2006 तक का है, टैली गोल्ड मल्टी यूजर है, ये आपका पूरा टास्क बार होता है, ये आपका साइड पे जो दिए गए ये आपके मेनू मेन्यूज हैं, जो भी आपका मेन्यू आप यहाँ पे कौन से की प्रेस करके क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F3, F3 के नीचे सिंगल लाइन खींची हुई है इसका मतलब होता है Alt F3, यदि आपकी डबल अंडरलाइन होती है उसका मतलब होता है उसको कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है F3 है तो हमें यदि Alt F3, ये देखिए Alt F3 ये लिखा हुआ है Alt F3, यदि Alt के साथ F3 करेंगे तो कंपनी इन्फो ऑप्शन आपका ओपन हो करके आएगा। हमें यदि कंपनी इन्फो ऑप्शन इसे ओपन करना है तो शिफ्ट के साथ Alt के साथ F3 बटन, तो हम लोग दबाते हैं Alt के साथ F3 बटन। Alt के साथ F3 जैसे ही हमने प्रेस किया, यहाँ पे हमने Alt के साथ जैसे F3 प्रेस किया, ये देखिए इस तरह का फीचर्स आ जाएंगे। इसमें आपका अलग अलग आता है कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, चेंज टेलीवेयर, स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। आज हम इतने फीचर्स को खाली हम लोग सीखेंगे। ये आप कंप्यूटर की जो टैली की फर्स्ट क्लास है इसमें आपकी कंपनी कैसे हम बना सकते हैं, जो कंपनी बनी क्रिएट कंपनी पे जाकर के हम कंपनी कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में कैसे जब आपने कंपनी बना ली तो उस कंपनी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो कंपनी यदि ओपन है तो उस कंपनी को कैसे सेट करेंगे, बंद कैसे करेंगे,
अल्टरनेस होता है, कोई चीज उसमें आपका डिफरेंशन, यदि आपका उसमें कोई भी डिफरेंट हो गया, कुछ चीज हमें चेंज करनी है, कंपनी आपने बना ली, अब उसमें कोई चेंजमेंट करना है, तो उसके लिए अल्टर ऑप्शन का यूज करके उसे कैसे कंपनी मतलब अल्टर कर सकते हैं, क्रिएट ग्रुप कंपनी, कंपनी ग्रुपिंग मतलब ग्रुप कंपनी कैसे बनाते हैं और क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं ये बताया जाएगा। चेंज एलिमेंट, एलिमेंट पे क्या होता है, पासवर्ड होता है, कैसे चेंज एलिमेंट करेंगे, स्प्लिट कंपनी डाटा, यहाँ पे कंपनी के डाटा को कैसे स्प्लिट करेंगे, बैकअप क्या होता है, और आपका इस रिस्टोर क्या होता है, और क्विट, ये इसके बारे में हम लोग आज अभी जानेंगे और कैसे वर्क करते हैं ये भी आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं Alt+F3 सेल क्रिएट कंपनी पे, इसमें हम लोग एरो की यूज करके, आप डाउन एरो की यूज करके क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। अब इसे यदि ओपन करना है तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो एक आपका जैसे कंपनी क्रिएशन लिख के आएगा और एक फॉर्म पूरा ओपन हो करके आ जाता है। ये पूरा जो फॉर्म आता है इसमें हम लोग कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो जो चीजें इंफॉर्मेशन आपका ये पूछता है ये आप टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले दिया गया नेम, तो किस नाम से आपको कंपनी बनानी है तो नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, फिर इसके बाद इंटर करेंगे। मेलिंग नेम, आपका जो मेलिंग नेम होता है आपका वही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं करते, चाहते हैं तो आप इसमें नेम में डिफरेंट कर सकते हैं। अब आता है एड्रेस, एड्रेस जो भी आपका होगा वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे गल्ला मंडी, ठीक है, इंटर कर देंगे, दूसरी लाइन पे आ जाएगा 20 80 21 पिन कोड, इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से एड्रेस जो भी होगा, एड्रेस आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितनी लाइनों पे आप इंटर की प्रेस करते जाएंगे, जब एक खाली लाइन आ जाएगी तब उसके आप नीचे इंटर करेंगे तो आपका दूसरी की आएगी। अब आते हैं फिर, अब आता है इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इतने आपके टैलीज होता है ये आपके साइट पे आ रहा, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, आप इसमें जिस होंगे देश पे उस देश को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इंडिया पे हैं, हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, जैसे इंडिया सेलेक्ट किया इसके बाद यहाँ पे स्टेट आया, स्टेट पे आपके जितने भी स्टेट होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाई देंगे, उतने स्टेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएगा, उतने सारे स्टेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिख रहे हैं। हमें सबसे पहले स्टेट कौन सा चाहिए और हम किस स्टेट पे हैं, तो हमने यू, उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है तो हमने यू प्रेस किया, जैसे यू प्रेस करेंगे यहाँ पे जो यू नाम से जितने भी स्टेट होंगे वो सारे स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, डाउन एरो की यूज करेंगे, हम उत्तर प्रदेश पे आ जाएंगे और इंटर कर देंगे तो उत्तर प्रदेश आपका सेट हो जाएगा और यहाँ से आपको जो लिस्ट आ रही थी वो लिस्ट आपकी हट जाएगी। फिर आता है पिन कोड, पिन कोड यहाँ पे जो पिन कोड नंबर होता है वो पिन कोड नंबर डाल देंगे, टेलीफोन नंबर, यदि आपका टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर आप डाल देंगे, ईमेल एड्रेस जो आपका ईमेल एड्रेस है, आपको कंपनी जिस कंपनी पे आप काम करते हैं यदि वो कंपनी आपको ईमेल एड्रेस देती है तो वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, आपका करेंसी सिंबल, जो आपका करेंसी सिंबल होता है वो आपका RS होता है, रुपीस होता है, इंडियन रुपीस, तो RS आपका करेंसी सिंबल है वही आपका बना रहेगा। यहाँ पे आपके दो फीचर्स आते हैं, एक आपका अकाउंट ओनली आता है, एक आपका अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अब अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री में डिफरेंट क्या है, हमें कौन सा आपको चूज करना चाहिए। अकाउंट ओनली में क्या होता है कि यदि हमें हमारे पास स्टॉक स्टॉक हमें मेंटेन नहीं करना है तो हम लोग अकाउंट ओनली का यूज करते हैं। अकाउंट विथ इन्वेंटरी में होता है स्टॉक हमें मेंटेन करना है, हमारे पास कितना स्टॉक है, एक एक चीज की जानकारी रखनी है, तो हम लोग अकाउंट विथ इन्वेंटरी का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे सिर्फ अकाउंट ओनली में हम लोग कैसे वर्क करते हैं ये। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कंप्यूटर्स होता है जो हमारा अकाउंट में जो फाइनेंशियल हमारा, ऐसे क्या होता है न्यू ईयर होता है आपका 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग होती है, तो वैसे ही आपका फाइनेंशियल जो होता है हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च की इसकी क्लोजिंग होती है। तो हमें जो भी आपका फाइनेंशियल कभी भी स्टार्ट करना होगा तो 1/4 करेंगे और उसके बाद आपका करंट ईयर जो भी आपको डालना है वो करंट ईयर आप यहाँ पे डाल लेंगे, तो 1/4 2023, उसी प्रकार से बुक बिगनिंग फ्रॉम में भी आपको वही डालना है। और इसके बाद आपका जो टेलीवेल्ड पासवर्ड आएगा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, ध्यान रखना है लोग यहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पासवर्ड डाल देते हैं, इसके बाद आप अपनी कंपनी को ढूंढ नहीं पाते, वो आपका कंपनी का जो ये वाला नाम होता है ये नाम आपको डिस्प्ले करके दिखाई नहीं देगा, इस वजह से यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं डालना है। और इसके बाद एंटर कर देंगे, अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमने यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल आपको यूज करना, तो इसको हमने क्या किया, सिक्योरिटी कंट्रोल को हम यस करेंगे, यदि हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल यस करते हैं तो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर,
अब यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका होता है, आप चाहे तो आप ये वाला सेम नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ये वाला सेम डाल सकते हैं, और चाहे तो आप डिफरेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आपका आगे कंपनी यूजर नेम आपका पूछेगा तो आपने जो यहाँ पे डाला होगा वही खाली वही आपको डालना होगा। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम डाल दिया, सेम सनराइज ग्रुप लिखा हुआ ऊपर पे हमने यहाँ पे भी लिख दिया, और इसका पासवर्ड, और इसका पासवर्ड जो भी होगा। यूज टेली ऑडिट फीचर्स, आदि आपको टेली ऑडिट फीचर्स यूज करना है, हमें नहीं करना है, इंटर करना है। फिर आता है बेस करेंसी सिंबल। यहाँ पे करेंसी सिंबल आपका जो होता है, हमारा जो करेंसी का सिंबल है वो आपका RS है, तो RS ही रहेगा। इसका फॉर्मल नेम मतलब फुल फॉर्म नेम क्या होता है, इंडियन रुपीज हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो इंडियन रुपीज रहेगा। इसके बाद आता है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस होता है दशमलव के हम लोग कितने अंकों तक अपने रुपीज को हम लोग यूज करते हैं, तो दशमलव के हम लोग क्या होता है, दो अंकों तक यूज करते हैं। 99 मैक्सिमम पैसा जो हमारा 99 होता है, उसके बाद वो 1 रुपए पे आपका कन्वर्ट हो जाता है, 1 रुपए पे आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 रुपए पे, तो उससे हमें क्या होता है 99 टू डिजिट तक आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिंबल्स होता है सफिक्स अमाउंट। यदि सफिक्स अमाउंट आपको चाहिए तो इसको यस कर देंगे, नहीं चाहिए हमें यही रखना है। और यहाँ पे सिंबल ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो आपका डेसिमल प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या पढ़ा है, उसको हम लोग जो पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने बताया कि मतलब जो हमारा पहले का पार्ट होता है वो आपका रुपीज पढ़ते हैं, दूसरे का जो पार्ट होता है उसे हम लोग पैसा पढ़ते हैं, तो पैसा हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। सो अमाउंट इन मिलियन, यदि आपको इसके अमाउंट होते हैं आपको मिलियन पे शो कराना है तो यस करेंगे, नहीं कराना है तो नहीं करेंगे। फुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस यदि रखना है तो यस, नहीं रखना है तो नो कर देंगे। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, आपका डेसिमल प्लेसेस में मतलब 2 डिजिट तक का अमाउंट आया प्रिंट होकर के, कि उससे ज्यादा है, तो हमने कहा नहीं 2 डिजिट तक का ही प्रिंट होकर के आना चाहिए, तो वही आपका यहाँ पे शो करेगा। एंटर करेंगे तो आपका ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, एक्सेप्ट यस या नो, ये वाली जो स्क्रीन आएगी एक्सेप्ट यस या नो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट स्क्रीन आ रहा है, यस या नो। अब एक्सेप्ट करना है तो एंटर की प्रेस कर दीजिए, नो करना है तो एन, सिंपली आपको एन कीबोर्ड से एन प्रेस कर देंगे तो आपका नो हो जाएगा, और आपकी स्क्रीन पे फिर से आपकी इसी स्क्रीन पे आपका ये बना रहेगा। हमें यदि मतलब हमें क्या करना है, हमें एक्सेप्ट कराना है तो हम सिंपली इंटर की को प्रेस कर देते हैं। इंटर की जैसे प्रेस कर देंगे तो आपका क्या होता है, ये आपका इस तरह का आ जाएगा, ये आपकी कंपनी बन गई। अब हमें ये कंपनी बन गई, तो हमें देखना है कि ये कंपनी बनी है नहीं बनी है, ठीक है। कंपनी बन गई सनराइज ग्रुप नाम से, और यहाँ पे देखो सनराइज ग्रुप लिख के आ रहा, और यहाँ पे ईयर लिख के आ रहा। अब यहाँ पे देखो गेटवे और टैली पे क्या फीचर्स होते हैं, कंपनी इन्फो पे बताया था कि हमने कंपनी क्रिएट कर ली, जैसे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे वो कंपनी ओपन होकर के आती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करंट पीरियड लिख के आता है, 1 अप्रैल से लेके 2023 हमने डेट डाला था, वो आपका 31/3/2024 तक का आपका होता है। इसके बाद करंट डेट सैटरडे 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल आपका सेलेक्ट है। अब हम करते हैं क्या, इस कंपनी पे आते हैं सर्ट, हमने गया सर्ट कंपनी पे, कहाँ पे गए, हमने एरो को लेके गए एरो की सर्ट कंपनी पे। सर्ट कंपनी पे ले जाने के बाद हमने इंटर की प्रेस किया, और हमने इस कंपनी को किया बंद। अब हमने जब ये कंपनी बंद कर दी तो अब यहाँ से देखो नेम ऑफ कंपनी, ना तो कंपनी का नाम आ रहा, ना करंट पीरियड आ रहा, ना करंट डेट आ रहा, ना डेट ऑफ लास्ट एंट्री आ रहा। तो हमने अब सेलेक्ट कंपनी पे हम जाते हैं, सेलेक्ट कंपनी पे हमने क्लिक किया, सेलेक्ट कंपनी के जाने के बाद हमने यहाँ से सनराइज ग्रुप वाली कंपनी हमने क्या करी, चूज कर ली। जैसे हमने ली एंटर किया, अब यहाँ पे हमने बताया था नेम ऑफ यूजर, नेम ऑफ यूजर पे जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर पे हमने जो नाम डाला था वही नाम डालना होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप सनराइज ग्रुप जो यहाँ पे कंपनी ऊपर नहीं आ रहा, हम उसको और इसको डिफरेंट डाल देते हैं, तो आपको वही याद रखना है कि जो यूजर पे आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर पे जो नेम डाला होगा वही नाम आप जब डालेंगे तभी आपका ये सही से ओपन हो पाएगा। और इसका जो पासवर्ड है हमने वो पासवर्ड डाल दिया, और एंटर की प्रेस कर दिया। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे जब नाम और पासवर्ड सही होगा तो आपका ये कंपनी खुल के आ जाएगा। अब जब आपका कंपनी खुल के आ जाता है तो देखिए डेट आ गई, सनराइज ग्रुप आ गया, नोबाउस एंट्री डेट आ गया, ये आपका सेट हो गया। तो दो फीचर्स आपको समझने, कंपनी क्रिएट कंपनी आपको क्रिएट कंपनी समझ में आया, सर्ट कंपनी कंपनी को बंद करना समझ में आया, और इसके बाद सेलेक्ट कंपनी उस कंपनी को हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप सर्ट कंपनी पे देखो गए, हमने सर्ट पे क्लिक किया, सर्ट हो गया, सेलेक्ट कंपनी पे गए, हमने वो अपनी कंपनी हमने सेलेक्ट करी, और हमने यहाँ पे क्या किया, उस जो भी आपका फॉर्मल नेम था वो हमने यूजर का नाम लिखा और हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला और एंटर की प्रेस कर दिया, तो हमारी कंपनी ओपन होकर के आ गई। तो सेलेक्ट सर्ट और क्रिएट,
ये तीन ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। हमारा क्रिएट ग्रुप कंपनी अभी बताया था, उसके बाद हमने अब उसके बाद आते हैं अल्टर पे। अल्टर पे क्या है कि जो आपने कंपनी बनाई है या जो कंपनी आपकी ओपन है उसमें हमें कोई चीज चेंज करना था, वो गलती से हमारा एड्रेस मान लीजिए हमने इसमें हमें हमारा एड्रेस गलत हो गया, हमने अल्टर पे क्लिक किया, अल्टर पे क्लिक किया फिर से आपका वही वाला बॉक्स आपका खुल के सिंपली आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा तो 681/5, ठीक है, SIEE सिद्धार्थ नगर रोड, एंटर किया तो अगरपुर रोड, उसके बाद दिया हमने चेंज कर लिया। इसमें आप पूरा जो भी कुछ आप चेंज करना चाहते हैं वो आप सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेंगे और आप यहाँ पे इंटर। तो हमारा फिर से अब बाहर आ जाएंगे, तो देखिए अब सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर, यहाँ तक समझ में आ गए। अब आते हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, अभी आते हैं हम लोग चेन टेलीवर्ड, चेन टेलीवर्ड और चेन टेलीवर्ड और स्प्लिट कंपनी डाटा। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा क्या है, ये आपकी कंपनी है, इस कंपनी को हम लोग दो या दो से ज्यादा दो दो भागों पे इसे डिवाइड करना चाहते हैं, हम बीच से इसे चाहते हैं कि हम स्प्लिट कर लें। तो हमने स्प्लिट कंपनी पे गए और हमने क्लिक किया और यहाँ पे यह स्प्लिट डेट, अब ये स्प्लिट डेट पूछ रहा है किस डेट से आपको स्प्लिट करना है, हमने कहा 31 अक्टूबर 2023 से स्प्लिट कर दीजिए इसको। तो ये आपका 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2023 तक रहेगा, दूसरी कंपनी जो होगी वो दूसरी डेट तक आपकी आ जाएगी। दो भागों में स्प्लिट होगा, दोनों डेटे आपको दोनों कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एक कंपनी हमने की थी 1 अप्रैल से और दूसरी कंपनी हमने 31 अक्टूबर को तो स्प्लिट करी, ये दोनों कंपनी आपको यहाँ पे दिखा रहा, एक्टिव जो है 31 अक्टूबर 2023 वाली आपकी एक्टिव है। अब इसमें हम लोग एक एक करके करते हैं, कंपनी कितनी ओपन हो गई, 1 2 3 जितनी कंपनियां ओपन होगी वो सारी कंपनी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता है, और यहाँ पे जो करंट में जो एक्टिव होगी उस पर आपका डार्क कलर से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, कंपनियों को करते हैं बंद। बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सर्ट कंपनी पे जाएंगे, सर्ट कंपनी पे जाने के बाद जो हमने स्प्लिट करी थी उन कंपनियों को कर लेते हैं बंद और हम लोग मेन कंपनी रखते हैं खाली ओपन करके। तो हमने मेन कंपनी ओपन करके रखी, तो सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर और आपका स्प्लिट कंपनी डाटा, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग बैकअप, बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप करना है, रिस्टोर करना है, तो बैकअप होता क्या है और रिस्टोर होता क्या है, दोनों चीजें होती क्या है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बैकअप आपका क्या होता है, रिस्टोर क्या होता है, तो ये जो होता है बैकअप करने के लिए क्या होता है, किसी भी कंपनी का बैकअप करना है, बैकअप करते क्यों है, क्या हुआ, जैसे आपने आपने कंपनी बनाई, आपने कंपनी बनाने के बाद इसमें आपने जो भी डाटा, जो भी आपने पर्टिकुलर वाइज डेट आज की डेट पे जितनी एंट्रियां थी वो सारी एंट्रियां आपने कर दी, करने के बाद क्या होता है कि आपकी कंपनी क्या होता है, कंपनी आपकी बंद हो जाती है, कंपनी कोई भी आपके डिलीट कर देता है। तो क्या होगा, यदि बैकअप नहीं होगा तो कंपनी आपको दोबारा से फिर बनानी पड़ेगी, वो सारा डाटा आपको फिर से बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग जब कंपनी बंद करते हैं उसके बाद हम लोग आज जब भी पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद हम कंपनी का बैकअप कर लेते हैं। बैकअप करने से यदि कंपनी में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई कंपनी हमारी डिलीट कर देता है तो हम उसको दोबारा से फिर से ला सकते हैं। तो बैकअप करने के लिए हम लोग बैकअप पे क्लिक करते हैं, बैकअप पे क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्टली देखो ये तो आपका हो गया सोर्स, कहाँ पे डाटा आपका स्टोर होगा, फिर आपका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होता है, यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको ए ड्राइव लिख के, कभी कभी यहाँ पे ए ड्राइव लिख के आता है, ए ड्राइव को हम लोग को नहीं लेना होता है। ए ड्राइव क्या होता है कि जो आपका फ्लॉपी ड्राइव होता था वो चीज होती थी, तो उसमें डाटा पहले बैकअप करने के लिए यूज करते थे, इस वजह से बाय डिफॉल्ट आता है। तो इसको आपको CDE, इसमें से कोई भी जो आपकी कंपनी कंप्यूटर के अंदर जो भी ड्राइव बनी होगी वो हम लोग ले लेते हैं। सी ड्राइव मोस्टली आपकी कंफर्म है बनी ही होती है, तो हमने ले लिया सी ड्राइव। सी ड्राइव लेने के बाद यहाँ पे जितनी कंपनियां आपकी होंगी, जितनी कंपनियां बनी होंगी तो सारी कंपनियां आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हम अपनी कंपनी का ले लेते हैं बैकअप, हमने 1005 कर लिया बैकअप, ठीक है, और हमने जो भी बैकअप, एक सनराइज वाली का,
बैकअप ले ले। इस तरह से जितनी कंपनी का बैकअप चाहते हो उतनी कंपनी का बैकअप ले लेंगे। और इंड ऑफ लिस्ट, इसके बाद इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना। जैसे इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे देखो इंड ऑफ लिस्ट हो गया, बंद हो जाएगा, एंटर कर देंगे, ये आपका बैकअप्स होता है आपका हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि बैकअप हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ये कंपनी जाते हैं, इस कंपनी पे करते हैं अल्टर पे जाते हैं। अल्टर पे जाने पर इस कंपनी का नाम, और ये आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम क्या है, सनराइज ग्रुप। तो इसका नंबर है 1000005। ये नंबर और आपका नाम, दो चीजें हमें याद रखनी होती है। इस नाम से कंपनी हमारी बनी हुई थी, बनी हुई है, हमने इसको का, अब हमने इसको किया एंटर। अल्टर पे आप ओपन कर लेंगे, अल्टर पे जब ओपन कर लिया हमने इस कंपनी को कर दिया डिलीट। अल्ट डी शॉर्टकट होता है, क्या होता है, अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तो आपका डिलीट ऑप्शन आएगा, एंटर करेंगे। जब आप अल्टर पे आ जाएंगे तभी आप इस पे अल्ट डी कर सकते हैं, डिलीट इसको कर सकते हैं। अल्ट डी, अल्ट के साथ डी करेंगे बॉक्स आ जाएगा, यस कर दिया। अब ये पूछ रहा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट, आप श्योर है आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, हमने कहा यस, एंटर कर दिया तो यस हो गया। अब ये कंपनी डिलीट हो गई, सेलेक्ट कंपनी पे जाइए। अब यहाँ पे सनराइज ग्रुप देखिए, सनराइज ग्रुप ये तो आ रही है, ठीक है, इसका नंबर क्या है 1000, उसका नंबर था 1000005, यहाँ पे 1400 है, ये आपका नंबर है। तो कंपनी क्या हो गई डिलीट। अब देखना है कंपनी डिलीट हो गई, अब उस कंपनी को हमें वापस लाना है, तो वापस आने के लिए क्या करते हैं, हम उसको करते हैं रिस्टोर। हम जाते हैं रिस्टोर पे, हमने रिस्टोर पे क्लिक किया। अब हमने जो भी कंपनी 1005, कंपनी का नंबर क्या था 1005, यही नंबर था 1005, यही कंपनी डिलीट हुई थी, हमने ले ली, ठीक है। अब ले लेने के बाद हमने किया एंटर, हमने किया एंटर, देखो कंपनी आ गई, इंड ऑफ लिस्ट पे गए, हमने एंटर कर दिया और बंद कर। अब आते हैं हम लोग सेलेक्ट कंपनी पे, तो देखो 1005 कंपनी आ गई, समझ में आया, मतलब कंपनी क्या हुआ, बैकअप थी तो इस वजह से रिस्टोर हो गया। यदि बैकअप ना होता तो इस कंपनी को हम लोग रिस्टोर ना कर पाते, हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है और हमें दोबारा से कंपनी आपको बनानी पड़ती है। ना समझ में आया, अब हम इस कंपनी को लेते हैं ओपन। तो हमने लिखा पासवर्ड, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी एक कंपनी, अब हम आते हैं कंपनी क्रिएट ग्रुप कंपनी। अब ग्रुप कंपनी बनाते कब है, ग्रुप मीन्स होता क्या है, ग्रुप मीन होता है एक से ज्यादा लोग जो होते हैं जब आपके मिलते हैं तो उसे ग्रुप कहा जाता है। तो अभी क्या है, एक कंपनी ओपन है, इस वजह से ग्रुप कंपनी, ग्रुप क्रिएट ग्रुप कंपनी ऑप्शन होता है वो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो हमें क्या होता है इसको करना हाईलाइट। तो इसको करना हाईलाइट तो कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, क्रिएट ग्रुप कंपनी हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या, एक कंपनी एक सेलेक्ट कर ली, फिर हम सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं और हमने कह के एक दूसरी कंपनी भी हमने सेलेक्ट करी। कंपनी लेते हैं हम लोग, बना हमने बनाया हमने ये सेंस, हमने सेंस हमने बना लिया और हमने इसको कर लिया, एक कंपनी और बना ली हमने नवेशन कंपनी नाम से, हमने इसको बनाया और हमने कर लिया इसको ओपन। तो हमारी जैसे दो कंपनियां ओपन हो जाएंगी, देखो रमेश एंड कंपनी और सनराइज ग्रुप, दो कंपनी जैसे ओपन हो जाएंगी यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कंपनी ऑप्शंस होता है वो आपका आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम इसमें क्रिएट क्या होता है, ग्रुप कंपनीज होता है, हम क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं क्रिएट ग्रुप कंपनी पे, क्रिएट ग्रुप कंपनी पे जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म खुल के आ जाएगा, इसमें हमें किस बनाना है, हमने हमने बनाया ग्रुप ऑफ कंपनी, हमने नाम डाला ग्रुप ऑफ कंपनी, हमने ग्रुप करना है ग्रुप ऑफ कंपनी, मिलिंग नेम में यही एड्रेस पे हमने डाल दिया, हमने डाल दिया कल्ला, ठीक है।
ईमेल एड्रेस निकाला, अब मेंबर्स पे आते हैं। मेंबर्स पे आपको यहाँ पे जितने मेंबर, कम से कम दो मेंबर तो होने चाहिए। जितने मेंबर का आपको ग्रुप बनाना है, आप 10, 20, 30 जितने भी कंपनी का ग्रुप का मेंबर से जितने ग्रुप मेंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उतने लोगों का एक आप इसमें बना सकते हैं। तो हमने ले लिया सनराइज ग्रुप, रामायण सनराइज ग्रुप, जैसे दो कंपनियां ले लेंगे तो ये आपका इनबॉक्स लिस्ट आने लगेगा। आप वहां से बंद कर सकते हैं और चाहें तो आप नीचे से सेलेक्ट करके सारी कंपनियां ओपन करके आएंगे, सारी कंपनियों को ले सकते हैं। लिया हमने ग्रेट ग्रुप कंपनी, आपका कंपनी ग्रुप और कंपनी नाम से एक आपका ग्रुप बन गया। यदि आप इसे ओपन करेंगे, अब हम कर लेते हैं सारी कंपनियों को बंद। सर्ट कंपनी पे गए हमने, क्या किया सनराइज ग्रुप को बंद किया, फिर सर्ट पे गए हमने, रिलेशन कंपनी को बंद किया, फिर सर्ट पे गए हमने ग्रुप और कंपनी को बंद कर दिया। अब आते हैं सेलेक्ट कंपनी पे, हमने ग्रुप और कंपनी पे हमने क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया आ गया। अब यहाँ पे इसका जो सनराइज ग्रुप वाली कंपनी का पासवर्ड था वो डालना है, डाल दिया। अब देखो सनराइज ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है ओपन किया, देखो दोनों कंपनियां ओपन होकर के। अब इसमें जिस कंपनी पे हमें काम करना, सनराइज ग्रुप पे काम करना, उस पर क्लिक कर दो। सनराइज हमें संसार पे क्लिक करना तो उस पर क्लिक कर देंगे, जिस पे आप क्लिक करते हैं वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, सनराइज ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी और अल्टा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल। अब सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है और हमें इसे कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूज होता है, हमें गया सिक्योरिटी कंट्रोल पे। सिक्योरिटी कंट्रोल पे देखो यूजर पासवर्ड टाइप ऑफ सिक्योरिटी, दो तरीके के फीचर्स आते हैं इसमें। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी में हमने दो तरीके से यूजर्स को रखते हैं, तो दो तरीके से यूजर्स को रखते हैं, यूजर एंड पासवर्ड। अब हमने इसमें एक कंपनी बनाई, जो हमने कंपनी बनाई थी सनराइज ग्रुप। अब उस सनराइज ग्रुप कंपनी के अंदर हमने क्या किया, नेम ऑफ यूजर, हमने उसमें भी एक से ज्यादा लोगों को अलॉट कर देना। तो अलॉट करने के मतलब होता है कि हमें अलॉट कर देना है, तो अलॉट कैसे करेंगे, पहले इसको करते हैं बंद, फिर हम लोग जाते हैं सेलेक्ट कंपनी पे और यहाँ से हम लोग लेते हैं सनराइज ग्रुप कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, डालते हैं ओपन करना। फिर सिक्योरिटी कंट्रोल पे आते हैं, यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे हमने क्या था, जैसे वाउचर एंट्री आपकी, इसमें वाउचर एंट्री लेजर ये आपको करने के लिए मतलब ये फीड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी किसको भी, हमने हमारा कोई एम्प्लॉय है तो हमने उसका नाम डाल दिया मैं, नाम डाला, पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड में डाल दिया वो सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी लेवल डाटा एंट्री या ओनर, क्या इनको हम बनाना चाहते हैं। डाटा एंट्री यदि हमें बनाते हैं, डाटा एंट्री मतलब ये वाउचर एंट्री खाली आपका इसमें कर पाएंगे, बाकी कोई भी काम इसमें ये नहीं कर सकते। हमने डाटा एंट्री इनको बना दिया और हमने एक बनाया और हमने यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया, इनको हमने बना दिया। अब जो ओनर होगा और डाटा एंट्री, दोनों में डिफरेंट क्या होगा, दोनों में क्या करना, डाटा एंट्री वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ डाटा एंट्री कर पाएगा, बाकी वो कुछ भी ना देख पाएगा, डाटा एंट्री ही कर पाएगा, डाटा एंट्री ही वो देख पाएगा। रिया शर्मा जो ओनर है, ये आपका कंपनी में सारा कुछ आपका ये देख पाएंगे। हमने कर दिया, एंटर कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, डाटा एंट्री की, अब यहाँ पे सिक्योरिटी खुल के आती है, इसमें जो भी आपको, अब देखो यहाँ पे डाटा एंट्री का, डाटा एंट्री लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लेवल, तो डाटा एंट्री और ये डाटा एंट्री लिया, ओनर, यदि बेसिक फैसिलिटी ओनर्स की क्या क्या फैसिलिटीज आप यहाँ पे आपको आएगा वो आपको यहाँ पे दिखा, डाटा एंट्री हमने दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से क्विट सिक्योरिटी कंट्रोल को, सिक्योरिटी कंट्रोल को खाली हमने यहाँ से किया है बंद, ठीक है। तो आपका सिक्योरिटी कंट्रोल से आपने इसको हमने किया बंद, तो आपका ये बंद हो गया। अब आपका यहाँ पे देखो, यदि ओपन करते हैं, यदि हम लोग कंपनी, यही कंपनी आपको ओपन करते हैं, इसमें यहाँ पे उस कंपनी का नाम, अब इसको करते हैं सर्च, हमने इसको किया यहाँ से बंद, बंद हो गया। सेलेक्ट कंपनी पे गए, सेलेक्ट कंपनी के जाने के बाद अब हमने कंपनी लिया सनराइज ग्रुप 1005 वाली और हमने यहाँ पे डाला रिया शर्मा, हाँ पासवर्ड डाल दिया और एंटर किया। देखिए कंपनी तो ओपन हो गई, कंपनी ओपन हो गई। अब आप स्केप करो तो देखो इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स खाली आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके वाउचर एंट्री खाली कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए रिया पूजा कुशवाहा नाम से इनको डाटा एंट्री का काम दिया गया था खाली, तो खाली वही ओपन होकर के आ रहा।
अब हम लोग करते हैं फिर से आर टैब 3 और हम इसको करते हैं बंद। हमने फिर से सेलेक्ट कंपनी पे गए, हमने अब सनराइज ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया। सनराइज ग्रुप 1500 हमने किया। अब हमने यहाँ पे डाला वी आर सनराइज, पासवर्ड डाला हमने, एंटर किया। अब देखिए इसमें एस्केप करके बाहर आइए, देखो अकाउंट इन्फो, ये आपका अकाउंट इन्फो भी इनके पास आ रहा है, अकाउंटिंग बॉक्स से भी आ रहा है, इनपुट डाटा, बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं, रेशियो एनालिसिस देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। ये काम आप यहाँ पे ये लोग ये कर सकते हैं। तो सिंपली समझ में आ गया, ये इस तरीके से ऑल टैब 3 करेंगे तो ये सारे फीचर्स आपका सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता है। हम इस तरीके से कंपनी को, हम लोग आपका क्या होगा, कंपनी इन्फो ऑप्शन होता वो हमारा पूरा आपका ओपन हो गया, वो आपका हमारा पूरा क्लियर हो गया, और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं हमने सारा चीज आपको बताई। सेट कंपनी, कंपनी ये कर लिया। अब हमें करना है कंपनी को करना है बंद, हमें टैली करनी है बंद, उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे क्विट जा करके एंटर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लास्ट पे आते हैं क्विट जा करके एंटर करते हैं, ऑप्शन आ जाता है, या तो हम लोग कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हैं, जब क्विट ऑप्शन आ जाएगा एंटर कर देंगे तो हमारी कंपनी और ये जो भी होगा ये आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या होता है कि सिंपली आपका टैली जो था इसमें जो सिंपल फीचर्स जो फर्स्ट फीचर्स है वो आपके फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में हमने ये सारे फीचर्स बता दिए, सभी लोग इसका आपका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, और इसके बाद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, और हमारा यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों को तक लाइक करिए, शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।